हेलो एवरीवन, वेलकम टू द टेक यात्रा। माय नेम इज़ निशांत और आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं कि लिंक क्वेरी में जॉइंस क्या होते हैं। सो जॉइन ऑपरेशन हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम दो डेटा सोर्सेज से कॉमन प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे डेटा को फेच कर सकें। एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, यहाँ पर मेरे पास तीन डेटा सोर्सेज हैं। फर्स्ट वन इज़ एम्प्लॉय, सेकेंड वन इज़ डिपार्टमेंट एंड थर्ड वन इज़ एड्रेस। अब मेरे को क्या काम करना है कि तीनों डेटा सोर्सेज से कॉमन प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे डेटा को फैच करके लेके आना। तो ध्यान दीजिएगा, जो एम्प्लॉय डेटा सोर्स है उसमें मेरे पास डिपार्टमेंट आईडी एंड एड्रेस आईडी है। इन दो कॉमन प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे मैं इसको एम्प्लॉय डेटा सोर्स को डिपार्टमेंट एंड एड्रेस से कनेक्ट करके डिपार्टमेंट और एड्रेस की डिटेल्स को फैच कर सकता हूँ। तो जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे, मैंने क्या काम किया, जॉइन का यूज़ करके मैं एक रिजल्ट सेट लेके आ गया, जहाँ पर मेरे पास अब एम्प्लॉय का नेम आ गया, डिपार्टमेंट आ गया एंड देन एड्रेस लाइन आ गया। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट इज़, जब भी आपको जॉइन परफॉर्म करना है, ध्यान दीजिएगा, उस टाइम पे डेटा सोर्सेज के बीच में एक कॉमन प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट, दो डेटा सोर्सेज के बीच में डिपार्टमेंट आईडी एक कॉमन प्रॉपर्टी थी, एंड ऐसे ही एम्प्लॉय एंड जो एड्रेस डेटा सोर्सेज थे उनके बीच में एड्रेस आईडी कॉमन प्रॉपर्टी थी, जिनके बेसिस पे मैंने क्या काम किया, रिजल्ट सेट को फैच कर लिया। अब बात कर लेते हैं कि लिंक क्वेरी में आपके जॉइन ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए कौन कौन से मेथड अवेलेबल हैं। तो फर्स्ट मेथड होता है जॉइन। जॉइन मेथड क्या काम करेगा, दो डेटा सोर्सेज या कलेक्शंस को लेगा, उनकी कॉमन प्रॉपर्टीज के बेसिस पे डेटा रिजल्ट को फैच करने के लिए यूज किया जाता है। एंड देन ये क्या काम करता है, हमेशा सिंगल रिजल्ट सेट को रिटर्न करेगा। ग्रुप जॉइन क्या काम करता है, ये भी दो डेटा सोर्सेज या दो कलेक्शन को कॉमन की या प्रॉपर्टी के बेसिस पे उनको ग्रुप करता है एंड जो सीक्वेंस ऑफ ग्रुप होता है उसको रिटर्न करता है। अब बात कर लेते हैं कि जॉइंस कितने तरीके के होते हैं। तो मेरे पास चार तरीके के जॉइंस होते हैं, इवन पांच होते हैं, जैसे कि इनर जॉइन, राइट जॉइन, लेफ्ट जॉइन, फुल जॉइन एंड फिफ्थ वन इज क्रॉस जॉइन। अब हम क्या काम करने हैं, वन बाय वन हर एक के बारे में डिटेल में समझने वाले हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इनर जॉइन क्या होता है। तो सपोज़ कीजिएगा कि आपके पास दो डेटा सोर्सेज है, राइट, जैसे कि आप इमेज में भी देख सकते हैं, एंड देन दो डेटा सोर्सेज के बीच में वो एलिमेंट्स जो दोनों डेटा सोर्सेज में कॉमन होते हैं वही एज अ रिजल्ट सेट आपको रिटर्न होते हैं। जो नॉन मैचिंग एलिमेंट्स होंगे वो रिजल्ट सेट से रिमूव हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डेटा सोर्स वन, डेटा सोर्स टू एंड देन जो इनर जॉइन क्या काम कर रहा है, वो डेटा रिटर्न कर रहा है जो दोनों डेटा सोर्सेज में कॉमन है, ठीक है। अब एक काम कर लेते हैं, देखते हैं कि इनर जॉइन को लिंक क्वेरी में इंप्लीमेंट भी कैसे करते हैं। तो यहाँ पे आपके पास कुछ बेसिक डिटेल्स होनी चाहिए जिनको आपको यूज़ करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास एक आउटर डेटा सोर्स होगा, एक इनर डेटा सोर्स होगा। इसका मतलब ये है कि जो फर्स्ट डेटा सोर्स होता है उसको आप आउटर डेटा सोर्स या फर्स्ट कलेक्शन बोल दें या फर्स्ट डेटा सोर्स, और जो सेकंड डेटा सोर्स होता है उसको इसने इनर डेटा सोर्स बोल दिया। देन आउटर की सिलेक्टर एंड इनर की सिलेक्टर, ये वो की होती है जो दोनों डेटा सोर्सेज में कॉमन है जिसके बेसिस पे आप जॉइन को परफॉर्म करने वाले हैं। एंड देन रिजल्ट सिलेक्टर, रिजल्ट सिलेक्टर क्या काम करता है, ये जो डेटा आपको फैच करने वाला होता है, राइट, आप उसको क्या काम कर सकते हैं, रिजल्ट सेट में आप उसको प्रोजेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब अगर आपको सारा का सारा डेटा जो दोनों डेटा सोर्सेज में कॉमन था वो सब फैच करना है तो वो कर लीजिए, अगर आपको दोनों डेटा सोर्सेज में से कुछ प्रॉपर्टीज़ को फैच करना था तो वो भी आप प्रोजेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि इनर जॉइन का एग्जांपल। तो ध्यान दीजिएगा, मोस्ट ऑफ द टाइम रियल लाइफ एप्लीकेशंस में हम क्या काम करते हैं, डेटाबेस से डेटा को फैच करते हैं। बट मैं यहाँ पर क्या काम करने वाला हूँ, क्योंकि मेरे को आपके ये नहीं समझाना कि डेटाबेस से डेटा कैसे फैच करते हैं, तो मैंने यहाँ पर हार्ड कोडेड डेटा ले लिया, दो डेटा सोर्सेज मैंने बना लिया है, दो कलेक्शंस, एंड देन मैं अब आपको समझाने वाला हूँ कि उन पे इनर जॉइन कैसे परफॉर्म करेंगे। तो मेरे पास एक एम्प्लॉयज़ कलेक्शन है, एक एड्रेस कलेक्शन है, ठीक है। उन दोनों के बीच में एक कॉमन प्रॉपर्टीज़ है, क्योंकि मैंने क्या काम कर लिया, जो एड्रेस डेटा सोर्स की आईडी थी वो एम्प्लॉयज़ कलेक्शन में एज अ एड्रेस आईडी है, ठीक है। और मेरे को क्या काम करना है, वो एम्प्लॉय रिटर्न करने हैं जिनका एड्रेस है, और ऐसे एम्प्लॉय जिनका एड्रेस नहीं है उनको मेरे को इग्नोर करना है या रिमूव करना है। तो ये मैं कैसे परफॉर्म कर सकता हूँ, इनर जॉइन की हेल्प से। अब मैं क्या काम करूँगा, आपको इसका एग्जांपल समझा देता हूँ। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो मैंने क्या काम किया है, इनर जॉइन के नाम से एक क्लास बनाई है, ठीक है,
और जिसके अंदर मैंने क्या काम किया है, दो मेथड को लिखा है। उसको समझने से पहले हम डेटा सोर्सेज को समझ लेते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे एक एम्प्लॉय डेटा क्लास है जिसके अंदर कुछ कॉमन प्रॉपर्टी जो कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज़ है, आईडी, नेम, एड्रेस आईडी एंड डिपार्टमेंट आईडी। और यहाँ पे एक मेथड है गेट ऑल एम्प्लॉय फॉर जॉइन, जो कि एम्प्लॉय डेटा की एक लिस्ट को रिटर्न कर देता है। एंड देन उसमें क्या होगा, आईडी, नेम एंड डिपार्टमेंट आईडी, ठीक है। सेकंड मेरे पास क्या है, एक एड्रेस क्लास है। तो एड्रेस क्लास के अंदर क्या है, आईडी, एड्रेस लाइन, दो प्रॉपर्टीज। एंड देन एक मेथड है गेट ऑल एड्रेसेस। गेट ऑल एड्रेसेस क्या काम करता है, लिस्ट ऑफ एड्रेस को रिटर्न करेगा। और इसके अंदर, इस लिस्ट ऑफ एड्रेस के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे उनमें दो चीज़ होगी, एक आईडी एंड देन एक एड्रेस लाइन। अब ध्यान दीजिएगा, जो एड्रेस की आईडी है, ठीक है, ये एम्प्लॉय डेटा में एड्रेस आईडी है, ठीक है। तो इसका मतलब एड्रेस आईडी जहाँ पे एड्रेस एम्प्लॉय डेटा टेबल की एड्रेस आईडी जहाँ पे एड्रेस कलेक्शन में आईडी के इक्वल होगी, वो डेटा आपका कॉमन फैच हो जाएगा इनर जॉइन की हेल्प से। अब क्या काम करते हैं, जो ये इनर जॉइन क्लास थी, मैंने इसका ऑब्जेक्ट बना लिया प्रोग्राम डॉट सी एस क्लास में, ठीक है। एंड देन इसके एग्जाम्पल को अब हम डिबग कर लेते हैं। तो जैसे ही हम फर्स्ट मेथड पे आ गए, अब ये काम कैसे करता है, तो मेरे को दो डेटा सोर्सेज चाहिए थे। तो फर्स्ट डेटा सोर्स क्या होगा, एम्प्लॉय डेटा डॉट गेट ऑल एम्प्लॉयज। तो गेट ऑल एम्प्लॉयज क्या काम करेगा, लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय डेटा रिटर्न कर देगा। तो एक डेटा सोर्स हो गया, उस पर मैंने डॉट जॉइन, जो आपका जॉइन ऑपरेटर होता है, ये इनर जॉइन परफॉर्म करने के लिए हम लिंक क्वेरी में यूज करते हैं। तो डॉट जॉइन लगा के मैंने क्या काम किया, जॉइन के अंदर मैंने सेकंड डेटा सोर्स जो कि इनर डेटा सोर्स था वो पास कर दिया। वो क्या था, एड्रेस डॉट गेट ऑल एड्रेसेस, क्योंकि गेट ऑल एड्रेसेस क्या काम करेगा, आपका जो लिस्ट ऑफ एड्रेसेस थे वो रिटर्न कर देगा, ठीक है। अब मैंने कोमा लगा के दे दिया कि जो आपका आउटर की सिलेक्टर है और इनर की सिलेक्टर है, इनर की सिलेक्टर जिसके दोनों के बेसिस पे वो जॉइन लगाने वाला है। तो मैंने दे दिया कि एम्प्लॉय जो आपका डेटा सोर्स होगा उसमें एम्प्लॉय की एड्रेस आईडी एंड देन जो एड्रेस है उसकी आईडी, ठीक है। तो ये दोनों क्या होगी, ये दोनों कॉमन प्रॉपर्टी होगी। एंड देन इसके बेसिस पे मैंने क्या काम किया, यहाँ पे एम्प्लॉय और एड्रेस जो ये दोनों डेटा सोर्स थे उनमें से मैंने एक तो एम्प्लॉय का नेम सिलेक्ट कर लिया एंड देन एक एड्रेस का एड्रेस लाइन। और यहाँ पे मैंने क्या काम किया, ये एक अनोनिमस टाइप में मैंने इस डेटा को प्रोजेक्ट कर लिया। एंड देन बाद उसके बाद मैंने क्या काम कर लिया, उसमें डॉट टू लिस्ट कर लिया। तो डॉट टू लिस्ट क्या काम करता है, उस क्वेरी को इमिडिएटली एग्जीक्यूट कर देगा। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो जो एट डेटा सोर्सेज आए, कितना है, एट। एंड देन आप यहाँ पे देखेंगे सबका नाम आ गया एंड देन एड्रेस लाइन आ गया, प्रीति, प्रियंका, अनुराग, प्रान्या, हीना, संतोष, राजा एंड सुधांशु। अब अगर मैं बात करूँ गेट ऑल एम्प्लॉयज में कितने डेटा था, ठीक है, तो अगर आप इसमें बात करेंगे तो इसमें 11 डेटा पॉइंट्स थे, 11 ऑब्जेक्ट्स थे, ठीक है। बट आपके पास 8 डेटा ऑब्जेक्ट्स आए, क्यों, क्योंकि आपके पास 8 लोगों का ही डेटा था, ठीक है। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। अब ये तो मैंने किया था मेथड सिंटैक्स से, और मेथड सिंटैक्स के बाद जो डेटा है मैंने उस पर फॉर ईच लूप के थ्रू एम्प्लॉय का नेम और एड्रेस लाइन यहाँ पे प्रिंट करा दिया, ठीक है। अब क्या काम करते हैं, मैं इसको क्वेरी सिंटैक्स से समझा देता हूँ। तो क्वेरी सिंटैक्स से हम वही बेसिक सिंटैक्स लिखते हैं कि फ्रॉम ऑब्जेक्ट इन डेटा सोर्स, तो एम्प्लॉय डेटा डॉट गेट ऑल एम्प्लॉयज आपको क्या काम करेगा, लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय डेटा रिटर्न कर देगा। ये आपका आउटर डेटा सोर्स हो गया, आप कमेंट को भी रीड कर सकते हैं। फिर मैंने जॉइन यहाँ पे यूज़ की, यहाँ पे डॉट जॉइन की जगह आप जॉइन यूज़ करेंगे। फिर सेकंड डेटा सोर्स, वो भी कैसे, ऑब्जेक्ट इन सेकंड डेटा सोर्स, ठीक है। तो सेकंड डेटा सोर्स भी बता दिया। फिर यहाँ पे ऑन ऑपरेटर का यूज़ करेंगे, जैसे आप क्या काम करते हैं SQL क्वेरी में करते हैं। तो फर्स्ट डेटा सोर्स में जो कॉमन प्रॉपर्टी थी वो इक्वल्स सेकंड डेटा सोर्स में जो कॉमन प्रॉपर्टी है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या काम कर लिया, सिलेक्ट किया, क्योंकि एनोनिमस टाइप में हमें जो रिजल्ट है उसको प्रोजेक्ट करना है। सिलेक्ट न्यू, एक न्यू ऑब्जेक्ट बनाया, उसमें एम्प्लॉय का नेम ले लिया एंड देन एड्रेस लाइन ले लिया, और उसको इमीडिएटली एग्जीक्यूशन के लिए डॉट टू लिस्ट लगा दिया। और जो डेटा आया उसको मैंने यहाँ पे फॉर ईच लूप के थ्रू एक्सेस करके प्रिंट करा दिया, क्योंकि दोनों क्वेरी सेम ही डेटा रिजल्ट करेंगी। तो मैंने यहाँ पे, आप देख सकते हैं, जो सेम डेटा था वो यहाँ पे प्रिंट हो गया। अब बात कर लेते हैं कि इनर जॉइन से हम डेटा को किसी मॉडल में कैसे प्रोजेक्ट कर लेंगे। तो मॉडल में प्रोजेक्ट करके देखेंगे आप कि बेसिक क्वेरी सेम रहेगी मेथड सिंटैक्स से भी। मैंने यहाँ पे क्या काम किया, जब मैं डेटा को प्रोजेक्ट कर रहा था, पहले एनोनिमस टाइप में कर रहा था, मैं यहाँ पे किस में कर रहा हूँ, एक नेम टाइप में कर रहा हूँ जो क्या है, एम्प्लॉय एड्रेस। तो मैंने यहाँ पे एक एम्प्लॉय एड्रेस के नाम से एक मॉडल बना लिया था जिसमें एम्प्लॉय नेम और एड्रेस लाइन दो प्रॉपर्टी थी, ठीक है।
तो मैंने क्या काम किया, अगर आप देखेंगे जो इस बार डेटा आएगा मेरे पास, डेटा रिटर्न हुआ, वो लिस्ट ऑफ यहाँ पे जो लिस्ट ऑफ है वो है आपका एम्प्लॉय एड्रेस, ठीक है। फिर मैं इसको क्या काम करा दूंगा, यहाँ पे फॉर ईच लूप के थ्रू प्रिंट करा दूंगा, वो डेटा फिर से प्रिंट हो गया। एंड देन सेम में क्या काम करूंगा, क्वेरी सिंटैक्स से भी सेम काम करना है जो लास्ट एग्जाम्पल में हमने पढ़ा था। बस सिलेक्ट न्यू, यहाँ पे एनोनिमस टाइप की जगह इस बार मैंने क्या काम कर दिया, वो मॉडल का नेम दे दिया जिसमें आपको डेटा को फैच करना है। एंड देन फिर आप उसको क्या काम करेंगे, फॉर ईच लूप के थ्रू यहाँ पे प्रिंट करा देंगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि ग्रुप ज्वाइन क्या होता है, ठीक है। तो ग्रुप ज्वाइन की बात करते हैं एक बार। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ग्रुप ज्वाइन सेकंड ऑपरेटर होता है, ये क्या काम करता है, किन्हीं भी दो डेटा सेट्स को लेगा या डेटा सोर्सेज को और कॉमन प्रॉपर्टीज की बेसिस पे डेटा को ज्वाइन कर देगा, लाइक इनर ज्वाइन। पर ये हमेशा जो दोनों डेटा सोर्सेज के एलिमेंट्स होंगे उनको ग्रुप कर देता है उस कॉमन की के बेसिस पे, ठीक है। इनर ज्वाइन क्या काम करता है, आपको एक सिंगल सेट रिटर्न करेगा, ठीक है। और ये क्या काम करता है, ये एलिमेंट्स का ग्रुप रिटर्न करता है, ठीक है। अब हम क्या काम करते हैं, इसका एक बेसिक एग्जांपल देख लेते हैं कि ये कैसे काम करेगा। तो ध्यान दीजिएगा, मेरे पास एक ग्रुप ज्वाइन क्लास है, ठीक है। तो ग्रुप ज्वाइन क्लास का मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना लिया और उसके अंदर मैंने दो मेथड्स लिखे हुए हैं, उनको समझ लेते हैं। पहला मेथड है एग्जांपल। तो यहाँ पे मैंने क्या काम किया, मेरे पास एक डिपार्टमेंट क्लास है और डिपार्टमेंट क्लास अगर आप देखेंगे तो उसके अंदर दो प्रॉपर्टी है, आईडी एंड नेम। और उसके अंदर मेरे पास एक मेथड है गेट ऑल डिपार्टमेंट्स, ठीक है। वो गेट ऑल डिपार्टमेंट्स में वो क्या काम कर रहा है, एक लिस्ट ऑफ डिपार्टमेंट रिटर्न कर देगा जिसमें हर एक डिपार्टमेंट की आईडी और नेम होगा, ठीक है। तो मैंने क्या काम किया, यहाँ पे ग्रुप ज्वाइन को समझ लेते हैं। सबसे पहले डिपार्टमेंट डॉट गेट ऑल डिपार्टमेंट्स, ये फर्स्ट डेटा सोर्स रिटर्न कर देगा, दैट इज लिस्ट ऑफ डिपार्टमेंट। फिर ग्रुप ज्वाइन डॉट लगा के ग्रुप ज्वाइन ऑपरेटर का यूज किया। ग्रुप ज्वाइन ऑपरेटर के अंदर हमने क्या काम किया, सेकंड डेटा सोर्स पास किया, वो क्या है, एम्प्लॉय डेटा डॉट गेट ऑल एम्प्लॉयज फॉर ज्वाइन। ये क्या काम करेगा, आपको लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय डेटा रिटर्न कर देगा, दैट इज सेकंड डेटा सोर्स, ठीक है, या इनर डेटा सोर्स। उसके बाद मैंने क्या काम किया, कोमा लगा के कॉमन प्रॉपर्टी देनी थी दोनों डेटा सोर्सेज की, तो मैंने ले दिया डिपार्टमेंट में क्या है, डिपार्टमेंट की आईडी, डिपार्टमेंट डॉट आईडी। तो ये आउटर की सिलेक्टर हो गया जो कि कॉमन प्रॉपर्टी है। सेकंड मैंने क्या काम किया, फिर से कोमा लगा के जो आपका एम्प्लॉय डेटा था, एम्प्लॉय डेटा में कौन सी थी, जो कॉमन प्रॉपर्टी थी वो थी एम्प्लॉय डॉट डिपार्टमेंट आईडी, ठीक है। और उसके बेसिस पे ये क्या काम कर देगा, जो डिपार्टमेंट आईडी है अब उसके बेसिस पे ये जो आपका रिजल्ट सेट आएगा उसको ग्रुप कर देगा। तो जैसे कि आपने देखा मैंने क्या काम किया, डिपार्टमेंट और एम्प्लॉय से जो डेटा है मैंने उसको एक अनोनिमस टाइप में यहाँ पे ग्रुप कर लिया। तो आपके पास इस बार देखेंगे तो यहाँ पे जाके रिजल्ट व्यू में जाते हैं, रिजल्ट व्यू में जाएंगे अगर आप तो देखेंगे यहाँ पे तो तीन डिपार्टमेंट थे, तीन डिपार्टमेंट के बेसिस पे डेटा ग्रुप हो गया। तो जो फर्स्ट डिपार्टमेंट था यहाँ पे देखेंगे उसकी आईडी क्या थी, 10, और नेम क्या था डिपार्टमेंट का आईडी, और उसमें कितने एम्प्लॉय थे, उसमें यहाँ पे 4 एम्प्लॉय हैं, ठीक है। तो उसने क्या काम कर दिया, उन 4 एम्प्लॉय को एक साथ ग्रुप कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ डिपार्टमेंट आईडी। ऐसे अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो जो डिपार्टमेंट है उसकी आईडी 20 है और डिपार्टमेंट का नेम क्या है, एचआर, और उसमें कितने एम्प्लॉय हैं, 3, ठीक है। ऐसे ऐसे करके क्या काम करता है, जो रिजल्ट सेट होगा, ठीक है, उसको ग्रुप कर देता है ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन प्रॉपर्टी। अब आप क्या काम करेंगे, यहाँ पे ग्रुप ज्वाइन में से फॉर लूप या फॉर ईच लूप लगा के आप क्या काम कर सकते हैं, उसके हर एक एलिमेंट को यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, ये हमें नेस्टेड फॉर ईच लूप का यूज़ करना पड़ेगा। पहला जो होता है वो क्या हो गया, क्योंकि मैंने आइटम में जो उसको ग्रुप किया है वो डिपार्टमेंट से ग्रुप किया, तो फर्स्ट लूप तो हो गया की के लिए, ठीक है। देन जो नेस्टेड लूप होगा वो होगा जो वैल्यूज़ है ना जिनको उसने ग्रुप किया है, ठीक है, जिन एलिमेंट्स को ग्रुप किया है उन पे उनके डेटा को फैच करने के लिए। तो पहले मैंने क्या काम किया, यहाँ पे मेरे पास तीन डिपार्टमेंट थे तो ये 3 बार लूप चलेगा अंदर बाहर वाला, और जो अंदर वाला लूप है वो चलेगा कि हर एक डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉयज़ हैं। सपोज कीजिएगा पहले वाले जो डिपार्टमेंट है वो क्या है, यहाँ पे देख लेते हैं, वो आईटी डिपार्टमेंट है। अब आईटी डिपार्टमेंट में मेरे पास कितने एम्प्लॉयज हैं, आईटी डिपार्टमेंट में मेरे पास 4 एम्प्लॉयज है, तो नेस्टेड जो लूप चलेगा अंदर वाला लूप वो 4 बार चलेगा, और
आईटी डिपार्टमेंट के हर एक एम्प्लॉय की आईडी और नेम को प्रिंट करा देगा। ऐसे ही सेकंड जो लूप होगा एचआर, उसमें तीन एम्प्लॉय थे, फिर उन तीनों एम्प्लॉयज की जो डेटा है वो प्रिंट हो जाएगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैं फॉर लूप और फॉर ईच लूप आपको ज़्यादा यूज़ करके नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि इससे वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी एंड देन आप सबको वो यूजुअली पता है। तो देखिएगा, डिपार्टमेंट प्रिंट हो गया आईटी, उसके चार एम्प्लॉयज, फिर डिपार्टमेंट प्रिंट हो गया एचआर, उसके तीनों एम्प्लॉयज, फिर डिपार्टमेंट प्रिंट हो गया सेल्स एंड देन उसके तीनों एम्प्लॉयज, ठीक है। अब मैं क्या काम करता हूँ, इसको क्वेरी सिंटैक्स से समझते हैं। तो क्वेरी सिंटैक्स से ऑलमोस्ट सेम ही होता है, फ्रॉम ऑब्जेक्ट इन डिपार्टमेंट डॉट गेट ऑल डिपार्टमेंट्स, जो फर्स्ट डेटा सोर्स रिटर्न करेगा, देन यहाँ पे जॉइन का यूज करेंगे एम्प्लॉय इन एम्प्लॉय डेटा डॉट गेट ऑल एम्प्लॉयज फॉर जॉइन, जो कि सेकेंड डेटा सोर्स रिटर्न करेगा। और यहाँ पे ऑन हम क्या काम कर देंगे, ऑन ऑपरेटर का यूज़ करके डिपार्टमेंट की जो आईडी है, ठीक है, फर्स्ट डेटा सोर्स में वो इक्वल्स होनी चाहिए एम्प्लॉय डॉट डिपार्टमेंट आईडी के, ठीक है। और मैंने क्या काम कर लिया, जो डेटा होगा उस डेटा को मैंने क्या काम कर लिया, इनटू ऑपरेटर का यूज़ करके एक अदर वेरिएबल में स्टोर कर लूँगा। तो मैंने यहाँ पे इनटू ऑपरेटर का यूज़ किया, जब आप क्वेरी सिंटैक्स के थ्रू उसको ग्रुप जॉइन को यूज़ करना चाहते हैं, तो उस टाइम पे इनटू ऑपरेटर का यूज़ करके आप जो आपका रिजल्ट सेट है उसको एक थर्ड वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। एंड देन फिर मैंने क्या काम किया, अनोनिमस टाइप एक नया ऑब्जेक्ट बना के मैंने क्या काम के लिए अपने डेटा को प्रोजेक्ट कर लिया। एंड देन फिर मैं क्या काम करूँगा, आउटर और नेस्टेड फॉर ईच लूप का यूज़ करके अपने डेटा को यहाँ पे प्रिंट कर दूंगा, ठीक है। तो आप देखेंगे वो डेटा भी मेरा क्वेरी सिंटैक्स से भी यहाँ पे प्रिंट हो गया, फिर आईटी एचआर एंड सेल्स, और डेटा जो है वो सेम ही आएगा। अब उसके बाद कर लेते हैं कि लेफ्ट जॉइन क्या होता है, तो लेफ्ट जॉइन को समझ लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, आपने जॉइंस को सिक्वेल में तो पढ़ा ही होगा, ठीक है। तो ये क्या काम करते हैं, सपोज़ कीजिएगा कि आपके पास दो डेटा सोर्सेज हैं, फर्स्ट डेटा सोर्स एंड सेकंड डेटा सोर्स। तो ये क्या काम करेंगे, फर्स्ट डेटा सोर्स से तो सारा का सारा डेटा आएगा इरेस्पेक्टिव ऑफ वेदर, चाहे वो सेकंड डेटा सोर्स से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। एंड क्या होगा कि सपोज़ कीजिएगा कि फर्स्ट डेटा सोर्स में चार ऑब्जेक्ट्स थे और सेकंड डेटा सोर्स में दो ही ऑब्जेक्ट मैच कर रहे हैं, तो फर्स्ट डेटा सोर्स के तो चार ऑब्जेक्ट आ जाएंगे, उनके अगेंस्ट जो सेकंड डेटा सोर्स था उसके दो ऑब्जेक्ट आ जाएंगे, एंड देन जो बाकी दो ऑब्जेक्ट की जगह वहाँ पे वैल्यूज जो होगी वो नल आ जाएगी। तो नॉन मैचिंग एलिमेंट्स के लिए हमेशा नल वैल्यूज आ जाती है सेकंड डेटा सोर्स से, ठीक है। आप यहाँ पे एक एग्जांपल को भी देख सकते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ कि जो लेफ्ट आउटर जॉइन होता है ना, मैं एक बार उसका एग्जांपल यहाँ पे समझ लेते हैं। तो फर्स्ट डेटा सोर्स, सेकंड डेटा सोर्स, फर्स्ट डेटा सोर्स का सारा डेटा आ गया, एंड देन सेकंड डेटा सोर्स में क्या हो गया, जो डेटा मैच नहीं कर रहा था वहाँ पे वैल्यूज नल आ जाएगी, ठीक है। अब इसको समझते हैं कि कैसे, जब भी आप लेफ्ट आउटर जॉइन या लेफ्ट जॉइन परफॉर्म करते हैं तो उसके लिए आपको क्या काम करना पड़ता है, डिफॉल्ट इफ एम्प्टी मेथड का भी यूज करना पड़ता है। अब मैं आपको समझा दूंगा कि क्यों। तो ध्यान दीजिएगा, जो लेफ्ट जॉइन होता है ना वो डायरेक्टली सपोर्ट नहीं करता, तो उसके लिए आपको क्या काम करना होता है, दो चीज़ें करनी होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ग्रुप जॉइन का यूज़ करना पड़ेगा, एंड देन सेकंड आपको डिफॉल्ट इफ एम्प्टी मेथड का यूज़ करना पड़ेगा। एक बार से समराइज कर देता हूँ कि डिफॉल्ट इफ एम्प्टी मेथड क्या होता है। ये आप अगर कोई डेटा सोर्स नल होता है तो क्या काम कर देगा, उसके लिए एक एम्प्टी कलेक्शन बना के रिटर्न कर देगा सेम टाइप का, ठीक है। और मैंने क्या काम किया, इसके लिए अलग से एक वीडियो बना रखी है जो कि आप प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको क्वेरी सिंटैक्स के थ्रू ही बता रहा हूँ कि ये कैसे काम करेगा। तो फ्रॉम ऑब्जेक्ट इन फर्स्ट डेटा सोर्स, जॉइन ऑब्जेक्ट इन सेकंड डेटा सोर्स, उसके बाद मैंने क्या काम किया, ऑन का यूज़ किया कि जो एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट है उसकी एड्रेस आईडी इक्वल होगी एड्रेस में एड्रेस की आईडी के। देन मैंने क्या काम किया, इनटू ऑपरेटर का यूज़ करके, क्योंकि ये ग्रुप जॉइन हो गया, इस ग्रुप जॉइन का डेटा मैंने एम्प्लॉय एड्रेस ग्रुप में रख लिया। और फिर मैंने क्या काम किया, जब ये मैंने थर्ड वेरिएबल एम्प्लॉय एड्रेस ग्रुप में डेटा रखा, फिर मैंने क्या काम किया, एम्प्लॉय एड्रेस ग्रुप में मैंने डिफॉल्ट इफ एम्प्टी लगा दिया, ठीक है। डिफॉल्ट इफ एम्प्टी यहाँ पे क्या काम करेगा, आपकी लेफ्ट आउटर जॉइन को परफॉर्म करेगा, और जो डेटा था वो मैंने एक अनोनिमस टाइप में सिलेक्ट कर लिया। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, मैं यहाँ पे रिजल्ट व्यू में जाके दिखाऊं, तो ध्यान दीजिएगा, जैसे कि फर्स्ट एम्प्लॉय था, यहाँ पे एड्रेस था, ठीक है, और ये ये तो आपका एम्प्लॉय था, और यहाँ पे एड्रेस आईडी 1 थी, तो उसके अगेंस्ट इसने क्या काम कर दिया, यहाँ पे एड्रेस आईडी 1 और एड्रेस का डिटेल भी फैच करके लेके आ गया। पर प्रॉब्लम क्या आती, जैसे कि एम्प्लॉय था मेरा ये, यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी क्या आती 6 और इसकी एड्रेस आईडी थी 6, ठीक है,
प्रॉब्लम ये हुई कि यहाँ पे एड्रेस आईडी 6 के लिए एड्रेस डेटा सोर्स में कोई डेटा ही नहीं था। अब डेटा नहीं था तो उसने यहाँ पे क्या काम कर दिया, एड्रेस को नल डाल दिया। ठीक है, तो जो डेटा सोर्स, अब वही जो मैंने लेफ्ट जॉइन में बताया था कि फर्स्ट डेटा सोर्स का सारा डेटा आएगा, सेकंड डेटा सोर्स का जो डेटा मैच करेगा वो उसके अगेंस्ट आ जाएगा, जहाँ पे डेटा सोर्स सेकंड डेटा सोर्स का डेटा मैच नहीं करेगा वहाँ पे नल आ जाएगा। तो हम डिफॉल्ट एम्प्टी मेथड और ग्रुप जॉइन मेथड का यूज़ करके लेफ्ट जॉइन को परफॉर्म करते हैं। अब मैंने क्या काम किया, जो भी डेटा सेट आया फॉर ईच लूप के थ्रू मैंने उसको यहाँ पे प्रिंट करा दिया। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे जो डेटा था वो प्रिंट हो गया, एंड देन यहाँ पे एड्रेस नल आया क्योंकि इन तीन स्टूडेंट्स का एड्रेस हमारे पास नहीं था। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि लेफ्ट जॉइन मेथड सिंटैक्स के थ्रू कैसे करेंगे। तो मेथड सिंटैक्स के लिए मेरे को क्या काम करना पड़ता है, इन टू ऑपरेटर का यूज़ नहीं करना पड़ता। ठीक है, तो वहाँ पे हम डायरेक्टली ग्रुप जॉइन का यूज़ कर सकते हैं। तो फर्स्ट डेटा सोर्स ग्रुप जॉइन, सेकंड डेटा सोर्स फिर आउटर की सिलेक्टर जो कि एम्प्लॉय की एड्रेस आईडी है, देन इनर की सिलेक्टर जो एड्रेस की आईडी है, देन फिर मैंने क्या काम किया, जो डेटा आया उसको एनोनिमस टाइप में प्रोजेक्ट कर लिया एम्प्लॉय और एड्रेस को, और फिर मैंने क्या काम किया, सिलेक्ट मैनी कर लिया। सिलेक्ट मैनी करके मैंने यहाँ पे क्या काम कर लिया, अगर एड्रेस मेरा डिफॉल्ट इफ एम्प्टी है, एक्स में क्या आ गया, जो एड्रेस है मेरा डिफॉल्ट इफ एम्प्टी है, यहाँ पे डिफॉल्ट इफ एम्प्टी मेथड जैसे मैंने लगाया तो वो क्या काम कर देगा, लेफ्ट आउटर जॉइन को परफॉर्म कर देगा। और जहाँ पे भी जिन एम्प्लॉय का एड्रेस आपका एड्रेस टेबल में नहीं है उनके लिए एक नल वैल्यू को डाल देगा। ठीक है, और अब इसको एक बार फिर से समझ लेते हैं। जब मैं इस पर फॉर ईच लूप लगाऊंगा तो ये क्या काम करेगा, फिर से जो डेटा था उसको सेम डेटा को यहाँ पे प्रिंट कर देगा। डजेंट मैटर आप मेथड सिंटैक्स यूज़ कर रहे हैं या क्वेरी सिंटैक्स, वो क्या काम करेगा, दोनों केस में आपको सेम डेटा ही रिटर्न करने वाला है। सेकेंड आम प्रोजेक्ट। ठीक है, तो डेटा को कैसे प्रोजेक्ट करते हैं, बेसिक क्वेरी सेम रहेगी। उसके बाद मैंने क्या काम किया, जो मेरे पास एक यहाँ पे एम्प्लॉय रिजल्ट है, एम्प्लॉय रिजल्ट करके मैंने एक मॉडल बना लिया जिसमें जो एम्प्लॉय है वो एम्प्लॉय डेटा टाइप का है और जो एड्रेस है वो एड्रेस टाइप का है। अंदर मैं क्या काम करूँगा, अब इस मॉडल में डेटा को फिल कर लूँगा। तो जहाँ पे मैं एनोनिमस टाइप यूज़ कर रहा था उसकी जगह मैंने क्या यूज़ कर लिया, एम्प्लॉय रिजल्ट। तो इस बार जो डेटा आया वो मेरे पास एम्प्लॉय रिजल्ट में है। ठीक है, ये मेरा क्या है, एम्प्लॉय रिजल्ट। अंदर मैं क्या काम करूँगा, जो भी डेटा आया मेरा रिजल्ट सेट आया उस पर फॉर ईच लूप के थ्रू मैं सारे के सारे एलिमेंट्स को प्रिंट कर दूंगा। तो यहाँ पे सारे के सारे एलिमेंट्स प्रिंट हो गए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि राइट आउटर जॉइन क्या होता है। ठीक है, तो राइट आउटर जॉइन क्या होगा, वो राइट टेबल के सारे एलिमेंट्स को रिट्रीव करेगा एंड देन उसके अगेंस्ट लेफ्ट टेबल से या लेफ्ट डेटा सोर्स के जो एलिमेंट मैच कर रहे थे वो आ जाएंगे, और जो लेफ्ट डेटा सोर्स के एलिमेंट मैच नहीं कर रहे हैं उसकी जगह वैल्यूज नल आ जाएगी। ठीक है, अब लिंक क्वेरी में राइट आउटर जॉइन डायरेक्टली सपोर्ट नहीं करता है। ठीक है, अगर आपको राइट आउटर जॉइन को करना है तो आप जैसे कि आपने लेफ्ट आउटर जॉइन को इम्प्लीमेंट किया था सेम वे में कर देंगे। तो हम यहाँ पे क्या काम करेंगे, जो आउटर डेटा सोर्स था वहाँ पे राइट डेटा सोर्स रख देंगे और जो इनर डेटा सोर्स था वहाँ पे आप लेफ्ट डेटा सोर्स रख देंगे, एंड देन सेम बाकी मेथड सिंटैक्स को यूज़ करके आप राइट आउटर जॉइन को परफॉर्म कर पाएंगे। तो मैं आपको इसका एग्जाम्पल भी समझा देता हूँ। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, ध्यान दीजिएगा। अब मैंने क्या काम किया, सबसे मैं पहले क्या काम कर रहा था, एम्प्लॉय का डेटा निकाल रहा था कि वो एम्प्लॉयज, ठीक है, मेरे पास एम्प्लॉयज का डेटा सारा आ जाए लेफ्ट आउटर जॉइन में, और अगर उनके अगेंस्ट एड्रेस का डेटा है तो आ जाए, और जहाँ पे एड्रेस का डेटा नहीं है वहाँ पे नल आ जाए। अब मैंने इसका उल्टा कर दिया। उल्टा कैसे कर दिया, मैंने क्या काम कहा कि अब मैं एड्रेस को एम्प्लॉय के साथ ज्वाइन करूँगा तो एड्रेस का डेटा सारा आ जाए, और ऐसे एम्प्लॉय जिनका मेरे पास एड्रेस है बट वो अब एम्प्लॉय नहीं है तो वो एम्प्लॉय की जगह नल आ जाए। तो मैंने क्या काम किया, यहाँ पे एड्रेस जो डेटा सोर्स था उसको पहले रख दिया, एंड देन जो एम्प्लॉय डेटा सोर्स था उसको मैंने बाद में रख दिया। बाकी मैंने क्या काम किया, सेम सिंटैक्स को फॉलो किया जैसे कि मैंने लेफ्ट जॉइन में किया था, और जो मेरे पास डेटा आया तो आप उस डेटा को यहाँ पे देख सकते हैं। तो जो रिजल्ट भी आएगा यहाँ पे देखिएगा, ऐसा कोई भी एम्प्लॉय नहीं था जिसका हमारे पास एड्रेस था बट उसकी एम्प्लॉय टेबल में एंट्री नहीं है। तो उसने क्या काम किया, इसका मतलब जो राइट टेबल में डेटा था, जितनी भी एड्रेस टेबल का डेटा था, वो सारा आपका एम्प्लॉय टेबल से मैच कर गया। ठीक है, तो इसलिए कहीं पे भी नल
नहीं आया, ठीक है। तो उसने सबका काम किया, सब जितने भी एम्प्लॉय थे उनकी एड्रेस लाइन निकाल के दे दी। अब बात कर लेते हैं कि फुल ज्वाइन क्या होता है। तो फुल ज्वाइन क्या काम करता है, दोनों जो डेटा सोर्सेज होते हैं उनसे सारा का सारा डेटा को रिट्रीव करने के लिए, फैच करने के लिए यूज़ किया जाता है। डजेंट मैटर कि वो लेफ्ट जो डेटा सोर्स है उसका डेटा राइट से मैच कर रहा है या नहीं, ऐसे राइट का जो डेटा सोर्स है वो लेफ्ट से मैच कर रहा है या नहीं। तो यहाँ पे जितने भी नॉन मैचिंग एलिमेंट्स होंगे, चाहे वो लेफ्ट डेटा सोर्स से हो या राइट डेटा सोर्स से हो, वहाँ पे वैल्यू जो डिफॉल्ट वैल्यू आ जाएगी वो नल आ जाएगी, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बताया था कि राइट आउटर जॉइन डायरेक्टली लिंक क्वेरी में सपोर्ट नहीं करता है, ऐसे ही फुल आउटर जॉइन भी लिंक क्वेरी में डायरेक्टली सपोर्ट नहीं कर सकता। तो सो देयर इज अ डिफरेंट वे टू इम्प्लीमेंट फुल आउटर जॉइन। अब वो कैसे होगा, इसके लिए आप यूनियन ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। तो कैसे करना है, सबसे पहले आप एक लेफ्ट जॉइन को परफॉर्म कर लेंगे, ठीक है। सेकंड आप क्या काम करेंगे, राइट जॉइन को परफॉर्म कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ ग्रुप जॉइन। अब आपके पास दो डेटा सोर्स आ गए, फिर आप क्या काम करेंगे, जो दो डेटा सोर्सेज आ गए इन दोनों पे यूनियन परफॉर्म कर देंगे। तो जैसे आप इन दोनों पे यूनियन परफॉर्म कर देंगे तो वो आपका फुल आउटर जॉइन बन जाएगा, ठीक है। अब इसको एक बार समझ लेते हैं कि ये कैसे हुआ। तो फुल आउटर जॉइन का जो फर्स्ट एग्जांपल है, देखिएगा मैंने क्या काम किया, एम्प्लॉय डेटा सोर्स था उसको डिपार्टमेंट डेटा सोर्स के साथ मैंने क्या काम कर लिया, यहाँ पे लेफ्ट जॉइन यूज़ कर लिया, ठीक है। क्योंकि लेफ्ट जॉइन इसलिए यूज़ किया क्योंकि एम्प्लॉय डेटा सोर्स को मैंने एज ए फर्स्ट डेटा सोर्स रखा और डिपार्टमेंट डेटा सोर्स को एज ए सेकेंड डेटा सोर्स रखा, ठीक है। और मैंने क्या काम किया, जो यहाँ पे जो भी डेटा ग्रुप होके आया, ठीक है, ग्रुप होने के बाद जो डेटा आया उस पर मैंने डिफॉल्ट इफ एम्प्टी अप्लाई कर दिया, ठीक है। और जो डेटा आया उसको मैंने एज ए यहाँ पे प्रोजेक्ट कर लिया, तो मेरे पास लेफ्ट जॉइन आ गया। मैं क्वेरी के डीप में इसलिए नहीं जा रहा हूँ क्योंकि लेफ्ट और राइट जॉइन में मैंने एक बेसिक क्वेरी हम पढ़ चुके हैं कि वो कैसे परफॉर्म होती है, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या काम किया, राइट जॉइन परफॉर्म कर लिया। राइट जॉइन के लिए मैंने क्या काम किया, डिपार्टमेंट को मैंने पहले रख दिया और एम्प्लॉय डेटा को मैंने एज ए सेकेंड डेटा सोर्स रख दिया, ठीक है। एंड देन जो भी ग्रुप करके डेटा आया उस पर मैंने डिफॉल्ट एम्प्टी अप्लाई कर दिया क्योंकि ये क्वेरी सिंटैक्स है। तो यहाँ पे मेरे पास राइट डेटा भी आ गया, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो ये राइट डेटा सोर्स हो गया, ठीक है, एम्प्लॉय का और डिपार्टमेंट का। ये मेरे पास लेफ्ट डेटा सोर्स हो गया एम्प्लॉय का और डिपार्टमेंट का, ठीक है। अब देखिएगा कि कुछ लोगों का यहाँ पे जो डिपार्टमेंट है ना वो ऑलमोस्ट सबका ही नल आ रहा है। अब मैंने क्या काम किया, मेरे को फुल आउटर जॉइन निकालना था, तो मैंने क्या काम किया, जो लेफ्ट आउटर जॉइन आया था आपका उसमें यूनियन ऑपरेटर का यूज़ किया। एंड देन मैंने क्या काम किया, उसके अंदर राइट आउटर जॉइन को पास कर दिया। तो जैसे मैं दोनों डेटा सोर्सेज पे लेफ्ट जॉइन का जो रिजल्ट आया और जो राइट जॉइन का रिजल्ट आया उन पर यूनियन ऑपरेटर का यूज़ करूँगा, तो आपके पास जो डेटा सोर्स आएगा, जो डेटा सेट या रिजल्ट आने वाला है, वो आपका फुल आउटर जॉइन का रिजल्ट होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो कुछ एम्प्लॉय ऐसे हैं जिनका डिपार्टमेंट नहीं है, कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिनमें हमारे एम्प्लॉय नहीं है। तो उसने क्या काम किया, डायरेक्टली सारे का सारा रिजल्ट आपको निकाल के दे दिया। और फिर मैंने फॉर ईच लूप का यूज़ करके मैंने उनको यहाँ पे प्रिंट कर दिया। सेम आप इसको जैसे मैंने क्वेरी सिंटैक्स से किया, ऐसे आप इसको मेथड सिंटैक्स से भी देख सकते हैं। ये भी क्वेरी मैं आपको डिटेल में नहीं समझाने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या काम किया, यहाँ पे लेफ्ट जॉइन परफॉर्म कर लिया, ठीक है। लेफ्ट जॉइन परफॉर्म करने के बाद आपने यहाँ पे राइट जॉइन परफॉर्म कर लिया। राइट जॉइन परफॉर्म करने के बाद फिर से आपने यूनियन ऑपरेटर का यूज़ किया। एंड देन जो आपका रिजल्ट सेट आया वो आपका फुल आउटर जॉइन है। एंड देन फिर आपने क्या काम किया, उसके सारे के सारे एलिमेंट्स को यहाँ पे प्रिंट कर लिया। लास्ट बात कर लेते हैं कि क्रॉस जॉइन की, क्रॉस जॉइन क्या होता है। तो जब भी आपको क्रॉस जॉइन परफॉर्म करना होता है दो डेटा सोर्सेज पे, तो एक तो वहाँ पे आपको जो कॉमन की होती है, जो कॉमन प्रॉपर्टी होती है, उसकी ज़रूरत नहीं होती। एंड देन यहाँ पे क्या होता है कि फर्स्ट डेटा सोर्स का हर एक एलिमेंट डेटा सोर्स, जो सेकेंड डेटा सोर्स है उसके ईच एंड एवरी एलिमेंट के साथ मैप हो जाएगा। सिंपल वर्ड्स में आप कह सकते हैं कि जो क्रॉस जॉइन होता है ना, वो दोनों डेटा सोर्सेज के एलिमेंट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है। सपोज कीजिए आपके पास दो डेटा सोर्स हैं, फर्स्ट डेटा सोर्स में आपके पास पांच एलिमेंट है एंड देन जो सेकेंड डेटा सोर्स है उसमें आपके पास तीन एलिमेंट है, तो जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा वो होगा 5 × 3। इसका मतलब वो जो 15 एलिमेंट्स को वहाँ पे प्रिंट कर देगा, ठीक है। अब हम क्या काम करने वाले हैं, इसके एग्जाम्पल को भी समझ लेते हैं कि वो कैसे काम करेगा। तो ध्यान दीजिएगा, मैंने क्रॉस जॉइन के लिए क्या काम किया, मैं स्टूडेंट और सब्जेक्ट, ठीक है, दो जो मेरे पास डेटा सोर्स होंगे उन पर मैं क्या काम करने वाला हूँ, क्रॉस जॉइन को इम्प्लीमेंट करने वाला हूँ। तो ध्यान दीजिए, मेरे पास एक स्टूडेंट टेबल है, ठीक है,
और स्टूडेंट के अंदर मेरे पास क्या कुछ प्रॉपर्टीज थी, आईडी, नेम, ईमेल, टोटल मार्क्स एंड लिस्ट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो मैंने क्या काम किया, उसके अंदर एक स्टेटिक मेथड लिख दिया गेट स्टूडेंट्स, जो आपके पास लिस्ट ऑफ स्टूडेंट को रिटर्न करेगा, ठीक है। सेकंड मैंने क्या काम किया, मेरे पास एक गेट ऑल सब्जेक्ट था, ठीक है। तो मैंने क्या काम किया, यहाँ पे एक गेट ऑल सब्जेक्ट भी है, ठीक है। तो एक सब्जेक्ट क्लास थी जिसके अंदर मैंने एक लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट मेथड था, जो कि लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट आपकी रिटर्न कर देगा, जिसमें आईडी होगी एंड सब्जेक्ट का नेम होगा। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि स्टूडेंट के अंदर एक प्रॉपर्टी और है लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स की, एक स्टूडेंट मल्टीपल सब्जेक्ट्स कंटेन कर सकता है, ठीक है। तो जब भी मेरे को क्रॉस जॉइन परफॉर्म करना होता है, तो मैंने यहाँ पे क्वेरी सिंटैक्स का यूज़ किया कि फ्रॉम ऑब्जेक्ट दैट इज स्टूडेंट इन स्टूडेंट डॉट गेट स्टूडेंट्स, क्योंकि स्टूडेंट डॉट गेट स्टूडेंट्स क्या काम करेगा, आपको लिस्ट ऑफ स्टूडेंट रिटर्न करेगा, दैट इज फर्स्ट डेटा सोर्स। सेकेंड फ्रॉम सब्जेक्ट इन सब्जेक्ट डॉट गेट ऑल सब्जेक्ट्स, जो कि आपको सेकेंड डेटा सोर्स रिटर्न करेगा। और मैंने यहाँ पे कोई भी जो कॉमन प्रॉपर्टी थी उसका यूज़ नहीं किया। तो जब भी हम क्रॉस जॉइन का यूज़ करेंगे, हमें कॉमन प्रॉपर्टी के बारे में नहीं सोचना है, नहीं उसका यूज़ करना है। तो हम बेसिकली ये सिंपल क्वेरी लिखेंगे, और ये क्या काम करेगा, दोनों डेटा सोर्सेज के एलिमेंट का कार्टेशियन जॉइन, जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा वो प्रोड्यूस कर देगा। और फिर जो भी डेटा आया मैंने उसको एनोनिमस टाइप में प्रोजेक्ट कर लिया। तो मैंने क्या काम किया, एक नया ऑब्जेक्ट बनाया जिसमें स्टूडेंट नेम में मैंने स्टूडेंट का नेम सिलेक्ट कर लिया, और सब्जेक्ट नेम में जो भी सब्जेक्ट था उसका सब्जेक्ट नेम सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पे मैं एक बार आपको रिजल्ट दिखा देता हूँ, तो देखिएगा कि यहाँ पे कितने एलिमेंट आए हैं, आप देख सकते हैं। तो उसने क्या काम कर दिया, फर्स्ट डेटा सोर्स के जितने भी एलिमेंट थे उसको सेकंड डेटा सोर्स के जितने भी एलिमेंट थे उससे मल्टीप्लाई किया, और जो रिजल्ट था वो प्रोड्यूस कर दिया, ठीक है। अब मैंने क्या काम किया, यहाँ पे फॉरिच लूप का यूज करके हर एक एलिमेंट को यहाँ पे प्रिंट करा दिया, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही था, एक बार फिर से समराइज करा देता हूँ कि जॉइंस क्या काम करते हैं, किन्हीं भी दो डेटा सोर्सेज से कॉमन प्रॉपर्टी के बेसिस पे रिजल्ट सेट को फैच करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब हमारे पास चार पांच जॉइन होते हैं, जैसे कि लेफ्ट जॉइन, आप जॉइन फर्स्ट बात कर लेते हैं इनर जॉइन की, जिसको आप इन जॉइन ऑपरेटर का यूज़ करके परफॉर्म कर सकते हैं। सेकेंड होता है लेफ्ट जॉइन, जिसको आप ग्रुप जॉइन ऑपरेटर की हेल्प से इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। राइट आउटर जॉइन डायरेक्टली सपोर्ट नहीं करता, पर आप क्या काम करेंगे, लेफ्ट जो जॉइन होता है उसमें सेकंड डेटा सोर्स को फर्स्ट बना देंगे एंड फर्स्ट को सेकंड बना देंगे, एंड विद द हेल्प ऑफ दैट आप राइट जॉइन भी परफॉर्म कर पाएंगे। ऐसे ही फुल आउटर जॉइन भी लिंक क्वेरी में सपोर्ट नहीं करता है, उसके लिए आपको क्या काम करना पड़ेगा, पहले लेफ्ट जॉइन निकालना पड़ेगा, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ ग्रुप जॉइन, देन फिर आपको राइट जॉइन निकालना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ ग्रुप जॉइन एज वेल, एंड देन आप क्या काम करना पड़ेगा, आपको दोनों डेटा सोर्सेज को यूनियन ऑपरेटर की हेल्प से डेटा को यूनियन करना पड़ेगा, एंड दैट विल बी योर फुल आउटर जॉइन रिजल्ट सेट, ठीक है। फिर लास्ट वन होता है क्रॉस जॉइन। क्रॉस जॉइन क्या काम करता है कि दो डेटा सोर्सेज के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनका कार्टेशियन प्रोजेक्ट, जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है वो आपको एज ए रिजल्ट सेट रिटर्न कर देगा, ठीक है। अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप यूट्यूब पर कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको वहीं पर रिप्लाई कर दूंगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू, लेट्स कनेक्ट इन नेक्स्ट वीडियो, बाय।